आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है इन सब के बावजूद पिछले दो हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है सभी देशवासी ओमिक्रोन लहर से सफलतापूर्वक निपटे बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया साथियों दो साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली देश के हर राज्य में हर जिले में हर क्षेत्र में चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो वैक्सीन जन जन तक पहुंची है प्रत्येक भारतीय के लिए यह गौरव की बात है कि आज भारत की 96 परसेंट वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85 परसेंट नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है साथियों आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं क्लासेस शुरू हुई है ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं कही न कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध है टीचर्स पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रकॉशन डोज ले सकते हैं इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा साथियों तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन तीन लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं उनके सुझावों पर हमें प्रियम्टिव प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा इंफेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका शत प्रतिशत आरटीपीसीआर टेस्ट हो इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे साथियों हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले यह भी सुनिश्चित करना है साथियों आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए बेड्स वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए उसको भरने का प्रयास हो मेडिकल कॉलेजेस जिला अस्पताल इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे साथियों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से यह लंबी लड़ाई लड़ी है वैश्विक परिस्थितियों की वजह से बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है लेकिन साथियों आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है ये संकट वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी पिछले नवंबर महीने में, में कम की थी केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन छह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी साढ़े तीन चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए अपने नागरिकों को तकलीफ न इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन छह महीनों में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए से लेकर के पांच साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी सबको मैंने प्रार्थना की थी लेकिन कई राज्य मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं अब जैसे उस समय छह महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना कुछ राज्यों ने नहीं माना अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला झारखंड किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था छह महीने डीले हो चुका है अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42 परसेंट तो राज्यों के ही पास चला जाता है मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें अब मैं कई विषय हैं बारी में मैं नहीं जा रहा हूं जैसे फर्टिलाइजर आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है कितना बड़ा संकट आया है लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं तब मैं आप सब से आग्रह करता हूं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य अपने पड़ोसी राज्य सभी देशवासियों के हित में उसकी उस सर्वोच्च प्राथमिक दे मैं एक और उदाहरण देता हूं अब नवंबर में जो करना था नहीं किया इसलिए पिछले छह महीने में क्या हुआ है आज चेन्नई में तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है जयपुर में 118 से भी ज्यादा है हैदराबाद में 119 से ज्यादा है कोलकाता में 115 से ज्यादा है मुंबई में 120 से ज्यादा है और जिन्होंने कटौती की मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 सौ दो है मुंबई में 120, बगल में देवी दमन में 102 सौ अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब जम्मू में 106 जयपुर में 118 सौ गुवाहाटी में 105 सौ पांच गुरगांव में 105 सौ पांच है देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड एक सौ तीन रूपया है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप छह महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए यह मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज साथियों एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं जंगलों में महत्वपूर्ण इमारतों में अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी बहुत मुश्किल समय था वो अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह हैं कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें ऐसी घटनाओं से हम बच सकें ऐसी घटनाएं कम से कम हो हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो जान माल की हानि ना हो इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए ताकि देश में कहीं हादसा न हो हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े साथियों आप सभी ने समय निकाला इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन कहा कि कोरोना का खतरा अब तक नहीं हटा जिन जिन को बूस्टर डोज लगवानी है वो लगवा लें बच्चों के लिए अब वैक्सीन उपलब्ध है तो बच्चों को का वही टीकाकरण कराएं, इस अभियान को आगे बढ़ाएं, स्कूलों और माता पिताओं को कहा कि इस, इस बारे में जागरूक हो यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में तीन लाख प्र, केसेस प्रतिदिन के बावजूद विकास का मार्ग बढ़ा लेकिन जिस बात पर अब सियासी जंग छिड़ सकती है वो है कि तेल के दामों पर वैट राज्य सरकारें घटाना शुरू कर दें नवंबर में आग्रह करने के बावजूद कई सारी सरकारें हैं राज्य सरकारें हैं जिन्होंने तेल के दाम नहीं घटाए वैठ नहीं घटाया जिसकी वजह से आम आदमी को तेल की मार झेलनी पड़ रही है बड़ी ता, तेल के दामों की मार झेलनी पड़ रही है